नमस्ते, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। जैसे कि आप जानते हैं, सावन हो चुकी है शुरू और सावन होता है महीना मिठाइयों से भरा हुआ। उसके तुरंत बाद आता है राखी का त्योहार, मिठाइयों का त्योहार। तो जी, मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए आज एक स्वीट डिश जो बच्चे, बूढ़े और जवान तीनों की फेवरेट होती है। लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, लेट मी गिव यू सम हिंट्स। ऑरेंज या येलो कलर की होती है, क्रिस्पी होती है और रस से भरी हुई होती है। समझ तो गए होंगे आप, लेकिन अगर नहीं समझे तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में शुरुआत करते हैं रेसिपी की। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल शेफ बाय हार्ट, प्रेस द बेल आइकॉन और उसके साथ जो तीन ऑप्शन है उसमें पहले ऑप्शन को कीजिए क्लिक, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की पहली नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फोन में। तो बात हो रही थी यहाँ पर यम्मी जलेबी की। देखिए, तो जलेबियाँ है तैयार। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, इसकी आवाज सुना देती हूँ, तो पता चल रहा है ना आपको कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। और अंदर देखिए, जूस से भरी हुई है ये। तो फटाफट से बिना किसी देरी के बनाते हैं इंस्टेंट जलेबी शेफ बाय हार्ट के स्टाइल में। तो जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है और उसमें डाला है मैंने एक चम्मच देसी घी, और यहाँ पर डाला मैंने एक पूरा पैकेट इनो का। अब हमें इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से मसलते हुए, बिल्कुल वैसे जैसे आप कुछ समोसे या बनाने के लिए मैदे में मोयन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको क्रम्बल करते हुए हाथों से अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। और आप फील करेंगे कि बहुत हल्का हो जाएगा मैदा। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे पानी धीरे धीरे करके। पानी बिल्कुल एक कटोरी उसी में लगेगा जिस कटोरी से आपने मैदा लिया था, उससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें। इसको हाथों से कर लीजिए और इनो का काम होना हो गया है शुरू। फ्रेंड्स, ये देखिए मैदा कितना लाइट हो चुका है। और घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें थोड़े बहुत लम्स तो रह जाएंगे लेकिन उससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बैटर हो चुका है लगभग रेडी। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने ले लिया है दो कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी। चाशनी किसी गहरे बर्तन में बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने विस्कर से भी इसके लम्स दूर करने की कोशिश की है, ये देखिए, लेकिन थोड़े बहुत लम्स इसमें रहेंगे, दैट्स टोटली फाइन। पैन में तेल हो चुका है गर्म। नाउ चाशनी हो चुकी है मेरी रेडी। मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, क्योंकि मैंने बैटर में कोई कलर नहीं डाला है। मैं हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ तो हलवाई लोग, आपने देखा होगा, चाशनी में कलर डालते हैं। और इस स्टेज पर इसमें डालेंगे हम आधा नींबू। नींबू चाशनी में डाला जाता है ताकि चाशनी में क्रिस्टल ना बने। और यह जलेबी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक छोटा सा पैकेट। अब हम इसमें जलेबी का बैटर फिल कर देंगे। बैटर बनाने के लिए एक कटोरी मैदा, एक कटोरी पानी, उसके साथ एक पैकेट इनो और एक चम्मच घी, बस इतना ही यूज़ किया है हमने। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये जलेबी बनकर तैयार होती है। तेल हो चुका है गरम। अब इसमें हल्के हाथों से जलेबी बनाएंगे। देखिए, राउंड राउंड घुमाना है और इस तरीके से काट देना है। मैं जलेबी बनाने में परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक ठाक जलेबी बना लेती हूँ। खाने में बिल्कुल हलवाई जैसी होगी, देखने में भले ही हलवाई जैसी ना हो, उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। ये देखिए, अब ये तल रही है तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी है। थोड़ी देर और रहने देंगे इसको पलट कर। तो जलेबियाँ हो चुकी है हमारी तैयार। अब हम डालते हैं चाशनी। उससे पहले मैंने काफ़ी जलेबियाँ बनाई हुई थी लेकिन वो सब आड़ी टेढ़ी थी, आप लोगों से क्या छुपाना, इसलिए मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। वो एक बार और दिखा देती हूँ, लेट्स होप कि ये अच्छी बने। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर तेल ठंडा होगा तो जलेबियाँ बिल्कुल फ्लैट बनेंगी, फूलेंगी नहीं, और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो तेल का टेम्परेचर आपको मीडियम पे ही रखना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं।
तो ये देखिए चाशनी से निकाल ली है मैंने जलेबियाँ, ये भर चुका है जूस इसमें पूरी तरीके से, आप देख ही रहे होंगे। ये वाली जलेबियाँ भी हो गई है रेडी। एक बार पलट के इनको फिर से चाशनी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इनको भी डाल दिया है मैंने चाशनी में। गहरे बर्तन होने से ये होता है कि जलेबियाँ आसानी से डूब जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि चाशनी बनाने के लिए गहरे बर्तन का यूज़ कीजिएगा। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म जलेबी, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बिल्कुल कुरकुरी जलेबियाँ बनेंगी फ्रेंड्स। हलवाई स्टाइल में बनाई है मैंने, खाने में हलवाई स्टाइल है। अगर ऐसे बनाते रहेंगे तो आपकी जलेबियाँ भी बन जाएंगी बिल्कुल परफेक्ट। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार कि देखिए, ये देखिए क्रिस्पी, बिल्कुल एकदम कुरकुरी और अंदर से पूरा जूस भरा हुआ है। तो जाइए किचन में, फटाफट से उठाइए सामान, जो कि बहुत ही कम सामान है, जो कि इजीली अवेलेबल है सबके किचन में। तो फटाफट बनाइए जलेबियाँ बिना किसी मशक्कत के, शेफ़ बाय हार्ट के स्टाइल में। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।